नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। कटिहार में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर की भाजपा नेता संजीव मिश्रा की हत्या। जिले के तेलता बाजार पर दिया घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। मोकामा में 3 दशक से बाहुबलियों का ही दबदबा, मोकामा में फिर अनंत सिंह का दबदबा रहा बरकरार। उनकी पत्नी नीलम देवी ने जीत की दर्ज, भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी को हराया। पश्चिमी चंपारण में पुलिस और शराब तस्करों के बीच हुई जमकर गोलीबारी। शराब की सूचना मिलने पर कार्रवाई करने गई पुलिस और तस्करों के बीच फायरिंग में एक धंधेबाज की हुई मौत, श्रीनगर थाना क्षेत्र की है घटना। सचिवालय थाने के मालखाने से लाखों रुपए की ज्वेलरी हुई गायब। पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो को दिए जांच के आदेश। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति का है गहना। नीलम देवी के नीतीश कैबिनेट में शामिल होने की है चर्चा। कार्तिकेय की जगह बन सकती है मंत्री। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार की शुरू हो गई है चर्चा। कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह, 2 मंत्रियों ने दिया है इस्तीफा। छपरा के अनाज गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई खाक। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हाजीपुर में टिम्बर मिल संचालक की गोली मारकर हुई हत्या। बेखौफ अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। एक संदिग्ध को पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। जीत दर्ज करने के बाद रावरी आवास पहुंची मोकामा विधायक नीलम देवी। CM नीतीश कुमार से भी हुई मुलाकात। तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेले का किया उद्घाटन। इस बार पर्यटकों के लिए कई विशेष इंतजाम। उद्घाटन के मौके पर कई विधायक रहे मौजूद। 7 दिसंबर तक चलेगा मेला। बेगूसराय में उत्पाद विभाग का हाजत तोड़कर 2 शराबी हुआ फरार। पुलिस कर्मियों में मची अफरा तफरी। पटना में ब्रेस्ट कैंसर के जागरूकता के लिए पिंक रन का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तहत सन हॉस्पिटल के द्वारा उक्त कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर के लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने में है काफी लापरवाह। इसी कारण मुजफ्फरपुर की ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे लापरवाह लोगों से पिछले 10 महीने में वसूले 71,19,000 रुपए जुर्माना। शराबबंदी के बावजूद नहीं मान रहे हैं लोग। शिवहर में शराब पीकर हंगामा कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। विकासशील इंसान पार्टी VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने रविवार को की घोषणा। कुढ़नी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव लड़ने की कही बात। 16 नवंबर को करेंगे नामांकन। पटना में जालसाजों ने फर्जी विज्ञापन निकालकर शहर के दीवारों पर चस्पाया। 1,000 लोगों से की 20 लाख की ठगी। पटना पुलिस ने 4 महिला समेत 9 साथियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ कर रही है पुलिस। खगड़िया में खेसारी लाल यादव के गाने पर बाल बालाओं ने लगाए ठुमके। मदमस्त लोगों ने की तावातोड़ फायरिंग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। बगहा में दुस्साहसी चोरों ने SBI ATM को लूटने का किया असफल प्रयास। असफल रहने पर केबिन में घुसकर चोरों ने मशीन में लगे वायर, मदरबोर्ड आदि को किया क्षतिग्रस्त। थाना से महज 350 मीटर की दूरी पर स्थित है SBI का ATM। अचानक आग लगने से एक घर जलकर हुआ राख। ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र का है मामला। निर्माणाधीन पुल में लगे सरिया पर मोटरसाइकिल लिए जा गिरा मोटरसाइकिल सवार। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 थ्रेसरी चौक के समीप हुई घटना। घायल सवार का इलाज जारी। और मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन सभागार में अरविंद कुमार सदस्य अति पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग पटना की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई आयोजित। कई विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा। अभी के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV News के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। Facebook पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV News के Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर HTV News को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV News, सच की आवाज़। नमस्कार।